और अगली खबर नवाबों के शहर लखनऊ से, जहां पर एक नाई की घिनौनी करतूत सामने आई। उसने ग्राहक के चेहरे पर मसाज तो की, लेकिन ये मसाज उसने थूक से की। जब ग्राहक को शक हुआ तो उसने सीसीटीवी कैमरा खंगाला और फिर पूरी करतूत सामने आ गई। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अगर आप भी अपने चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए सैलून या ब्यूटी पार्लर में मसाज कराते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि फेस मसाज की आड़ में आपके साथ घिनौनी हरकत हो सकती है। आपके चेहरे पर मसाज के लिए क्रीम के बजाय सैलून वाला अपना थूक लगा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि शामली और लखनऊ से आई दो अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही है। वीडियो में दिख रही पहली तस्वीर यूपी के शामली जिले की है, जहां एक शख्स सैलून में अपने फेस पर मसाज कराता दिख रहा है। इसी दौरान मसाज कर रहा सैलून कर्मी अपना थूक निकालकर क्रीम में मिला देता है और मसाज करने लगता है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ एक शख्स वीडियो में रिकॉर्ड कर वायरल कर देता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सैलून वाले को गिरफ्तार कर लिया। थूक मसाज करने वाले आरोपी की पहचान अमजद के रूप में की गई है। अब आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में एक सैलून में भी ऐसी घिनौनी हरकत की गई। ग्राहक को जब शक हुआ तो उसने दुकान में लगी सीसीटीवी का फुटेज चेक किया, जिसके बाद वो अपने साथ हुई घिनौनी हरकत देखकर हैरान रह गया। वीडियो में दिख रहे सैलून कर्मी की पहचान जैद के रूप में की गई। ग्राहक की शिकायत पर पुलिस ने जैद को भी गिरफ्तार किया। पहले तो मेरी आंखें बंद थी तो हमने ध्यान नहीं दिया, और लेकिन खुद द्वारा वो लेके गया तो हमने सिर हाथ पर क्यों कर रहा है, ऊपर से क्या उनसे क्रीम क्रीम ला रहा है, जो ऊपर से मतलब सब तो सामने रखा है, उसको आगे आना चाहिए ना मेरे। तो फिर मुझे शक सा हुआ, तो फिर उस समय तो मैं सोचा कि देखता हूँ कैमरे में भी, तो देखा तो हाथ ऊपर ले जाके थूक रहा और फिर मेरे गर्म लगा रहा है। ग्राहक और दुकानदार के बीच विश्वास का एक रिश्ता होता है, यही वजह है कि ग्राहक अक्सर दुकानदार पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। लेकिन दुकानदार आपके भरोसे का फायदा उठाकर ऐसी घिनौनी हरकतें शुरू कर दे तो आपका विश्वास टूटना लाजमी है। थूक मसाज कांड में शामली और लखनऊ दोनों जगहों से गिरफ्तार आरोपी मुस्लिम समाज के हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदू मुसलमान एकता में फूट डालने के लिए जानबूझकर ऐसी घिनौनी हरकत की गई? क्या कुछ लोग एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बढ़ाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।